मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर सैम को देखते हैं। वो एक राइटर था और एक पब्लिकेशन के लिए वो फ्रीक्वेंट बेसिस पर काम करता था। सैम न्यू मूवीज को देखता था और उसकी स्टोरीज देखकर न्यू नॉवेल्स बनाता था। आज भी सैम को एक बुक की हेडिंग लिखनी थी पर उसे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। बीच में वो लिखना छोड़ देता है और फिर कॉफी पीने के लिए घर से बाहर चला जाता है। यहाँ में पता चलता है कि सैम को मारिजुआना इंड्यूस फिट्स आते हैं। ये काइंड ऑफ सीजर्स की तरह होते हैं। कुछ समय के लिए उसकी बॉडी अकड़ जाती है। अभी कुछ टाइम से सैम को ऐसा नहीं हो रहा था। सैम अब कॉफी पीने के लिए नजदीक के ही कैफे में जाता है। कॉफी शॉप में बर्डी नाम की एक लड़की थी जो कस्टमर्स को सर्व कर रही थी। सैम कॉफी लेता है और हमें पता चलता है कि बर्डी और सैम एक दूसरे को ठीक ठाक जानते थे। उनमें ज्यादा बात नहीं होती थी। उन दोनों के बीच कुछ बात हो रही थी तभी वहां पर एक कस्टमर आ जाती है। दोनों को अपनी बात वहीं पर रोकनी पड़ती है। सैम फिर अपने ऑफिस जाता है। वहां पर अपने राइटिंग के साथ कस्टमर्स को भी उसे अटेंड करना था। जो भी वहां पर बुक्स लेने के लिए आते थे तो सैम को उन्हें साइन देनी पड़ती थी। वहां पर सैम की ओल्ड फ्रेंड मरीना आती है। कुछ समय पहले उसकी मैरिज हुई थी और अब वो प्रेग्नेंट थी। मरीना सैम से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। सैम कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई। सैम की कोई भी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। वो अकेला ही रहता था और काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट था। सैम के बहुत ही कम फ्रेंड्स थे। वो सैम से ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखते थे क्योंकि सैम इंट्रोवर्ट था और बहुत ही बोरिंग था। एक दिन सैम कैफे में बैठा हुआ था। वहां पर बर्डी आती है। आज बर्डी काम पर लेट हो गई थी। सैम उसे कॉफी मांगता है। हमें पता चलता है कि बर्डी अपने काम पर हमेशा लेट हो जाती थी। सैम फिर से उसे बात करने की कोशिश करता है पर अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक बहुत ही रूड कस्टमर आ गया। उसे अटेंड करने की वजह से बर्डी उससे दूर चली गई। एक दिन सैम फिर से ऐसे ही कॉफी के लिए गया पर वहां पर बर्डी नहीं थी। उसके नाम पर जेरान नाम का आदमी था जो कैफे को अब संभाल रहा था। सैम उससे पूछता है कि बर्डी कहाँ पर है। वो कहता है कि बर्डी को फायर कर दिया गया है। उसे बहुत ही रूडली बात कर रहा था। कहता है कि बर्डी हमेशा लेट आती थी, उसी वजह से काम से उसे निकाल दिया गया। सारी बातें फिर सैम अपने फ्रेंड एलियट को बताता है कि वो फिर से कैफे गया था और आज उसे बर्डी नहीं मिली। एलियट उसे कहता है कि तुम्हें उसे फेसबुक पर सर्च करना चाहिए। यह आइडिया सैम को अच्छा लगा। वो बर्डी को फेसबुक पर ढूंढ लेता है। सैम बर्डी को बहुत टाइम से लाइक करता था पर वो इंट्रोवर्ट था और इसी वजह से उससे कुछ बात नहीं कर पाता था। वो बर्डी के प्रोफाइल को देखने लग गया। वहां से उसे पता चलता है कि बर्डी को गिटार बजाने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। सैम फिर गिटार सीखने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे सैम गिटार सीखने के लिए जाता है तो वहां पर जो गिटार सिखा रहे थे वो कुछ नोट्स प्ले करते हैं। सैम भी इस नोट्स को प्ले करने की कोशिश करता है। सैम को थोड़ा सा भी आ नहीं रहा था। टीचर समझ जाते हैं कि सैम को गिटार बजाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे पूछते हैं कि तुम ये सब सीख क्यों रहे हो, क्या तुम्हें पैसा चाहिए या फेम चाहिए या फिर तुम किसी लड़की के लिए कर रहे हो। सैम कहता है कि मैं एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कह रहा हूँ। टीचर उसे कहते हैं तुम्हारा मोटिवेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें एक्चुअल पे गिटार पर फोकस करना चाहिए। सैम फिर से बर्डी की प्रोफाइल को सर्व करता है। उसे पता चलता है कि बर्डी को बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। बर्डी को इवोल्यूशन की बुक्स में इंटरेस्ट था तो सैम भी लाइब्रेरी जाकर इवोल्यूशन की बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगता है। बर्डी को फ्रेंच कुजीन अच्छी लगती थी तो सैम वो भी सीखने लग जाता है। सैम बहुत बार कैफे में जाया करता था क्योंकि उसे लगता था कि शायद बर्डी उसे वहां पर फिर से दिख जाए। बर्डी कभी भी वहां पर आती ही नहीं। जेराल्ड भी सैम को नोटिस करने लग गया था। सैम को यह भी पता चलता है कि बर्डी को जूडो पसंद है। फिर वो जाकर जूडो भी सीखने लग गया पर इसमें वो बहुत मार खाता है। बर्डी को जो म्यूजिक पसंद था इसकी सीडी भी उसने ऑर्डर किए और वो सब कुछ सुनता है। एक दिन जब वो ऐसे ही कैफे में बैठा था तो बर्डी अपनी सैलरी लेने के लिए आई। जेराल्ड बर्डी को कहता है कि एक लड़का तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और वो तुम्हारे पीछे ही है। सैम ये सुनकर छुप जाता है। बर्डी उसे देख नहीं पाती और फिर वहां से चली जाती है। सैम फिर पूरे दिन अपने कामों के साथ वो सारी स्किल्स सीखने की कोशिश करता है जो बर्डी को बहुत पसंद है। एलियट ये सब करते हुए उसे नोटिस करता है। एलियट उसे कहता है तुम्हें डायरेक्टली बर्डी को फेसबुक पर मैसेज करना चाहिए। सैम को आइडिया अच्छा लगा और कहता है कि मैं उसे मैसेज क्या करूंगा। सैम ने फिर बर्डी की फेसबुक प्रोफाइल पर एक न्यू पोस्ट देखी। इसमें वो एक कॉमेडी शो में जाने वाली थी। इसमें उसने बताया था कि कॉमेडी प्ले पर वो जाने वाली है। सैम भी फिर डिसाइड करता है कि वो भी वही प्ले देखने के लिए जाएगा। नेक्स्ट दिन हम सैम को थिएटर में बैठा हुआ देखते हैं। उसे वो प्ले बिल्कुल भी फनी नहीं लग रहा था पर बर्डी के लिए इस प्ले को एंजॉय करता है। प्ले खत्म होने के बाद सैम ने बर्डी को अप्रोच करने की कोशिश की पर बर्डी उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देती क्योंकि उसे वो सुनाई नहीं दे रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग थे। बर्डी ने एक ड्रिंक बाय किया तो सैम भी वही ड्रिंक बाय करता है। बर्डी के जैसे ही ड्रिंक खोलने की वो कोशिश करता है पर उसके हाथ से ड्रिंक की बॉटल नीचे गिर गई। सैम बहुत ही नर्वस था और इसी वजह से उसे गड़बड़ हो रही थी। ये सारी चीजें बर्डी नोटिस करती है। वो दोनों बात करने लग गए और बातों बातों में सैम अपने सारे हॉबीज इंटरेस्ट के बारे में बर्डी को बताने लगता है। ये सब कुछ झूठ था क्योंकि बर्डी के जो भी इंटरेस्ट है उसी के बारे में वो बात कर रहा था ताकि उसे इम्प्रेस्ड हो जाए।
बर्डी उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रही थी, तभी वहाँ पर प्ले की लीड आ जाती है और बर्डी सैम को उसे अप्रिशिएट करने के लिए कहती है। सैम को प्ले में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी वो कुछ भी बोलकर प्ले की तारीफ करने लग गया था। इससे सब कुछ बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। सैम बर्डी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए डिनर बना सकता हूँ। ये देखकर बर्डी को बहुत ही अच्छा लगा और उसके साथ डिनर के लिए मान जाती है। अगले दिन सैम अपने घर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करता है ताकि बर्डी उसके रूम से भी इम्प्रेस्ड हो जाए। उसने बर्डी का बहुत टाइम तक वेट किया पर वो वहाँ पर आई ही नहीं। थोड़ी देर में बर्डी उसे कॉल करती है, कहती कि मेरा एक स्टोनी इंजर्ड हो गया था और इसी वजह से उसे लेकर मैं हॉस्पिटल में आई हुई हूँ। वो कहती कि कल मैं बॉल रूम डांस अटेंड करने वाली हूँ। सैम कहता है कि मैं भी वहाँ पर तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे सैम एक प्रॉपर ड्रेस में आता है। ये काइंड ऑफ सीनियर्स का डांस था और यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था। वो दोनों फिर से बात करने लग गए। सैम वही चीज़ों के बारे में बात करता है जो बर्डी को बहुत अच्छी लगती थी। उसे कहता है कि मुझे जूडो बहुत पसंद है। बर्डी इस बात पर हंसने लग गई। सैम पूछता है कि हुआ क्या। बर्डी कहती है कि मेरे पेरेंट्स के डॉग का नाम जूडो है और वो मुझे बहुत पसंद है, इसी वजह से उसने अपने प्रोफाइल पर भी आई लव जूडो लिखा था। बेचारे सैम को बिना किसी रीजन की मार खाना पड़ा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि सैम को पता चलता है कि बर्डी पेडिक्योर के लिए जा रही है। सैम भी उसके पीछे पीछे पेडिक्योर शॉप में चला जाता है क्योंकि उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था। इसके बाद सैम बर्डी के साथ पार्क में भी जाता है। बर्डी फ्री में कपल्स के स्केच बना रही थी। सैम उससे पूछता है कि तुम फ्री में क्यों बना रही हो। बर्डी कहती है कि सक्सेस मेरे लिए एक मिथ है, मुझे जो पसंद है वही मैं हमेशा करना चाहती हूँ, यही उसके लिए एक रियल हैप्पीनेस था। स्केच करने के बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। बर्डी सैम को गाल पर किस करने की कोशिश करती है पर गलती से उसे लिप पर किस कर लेती है। इसके बाद वो दोनों एक्चुअली किस करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड थे। वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। रात में वो दोनों एक बार में आए, वहां पर बर्डी का एक टोनी भी आता है। टोनी ऐसे ही कभी कभी यहाँ पर कैजुअली गाना गाता रहता था। वो आज भी गाना गाने का डिसाइड करता है। बर्डी से उसे पता चला कि सैम को भी गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता। वो फिर सैम को इंसिस्ट करता है कि वो गिटार बजाए और वो खुद गाना गाएगा। सैम बहुत मना करने की कोशिश करता है पर फिर भी गिटार बजाने के लिए उसे स्टेज पर आना ही पड़ा। तो सैम को तो एक्चुअल में गिटार बजाना आता नहीं था क्योंकि वो अभी भी सीख रहा था। जैसे ही गाना स्टार्ट होता है तो यहाँ से निकलने के लिए सैम ने गिटार की स्ट्रिंग को बहुत ही जोर से बजाया जिससे वो टूट जाती है। वो प्रिटेंड करता है कि उससे गलती से टूट गई। इसके बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बर्डी और वो यहाँ पर बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वो दोनों घर आके तो दोनों ही बहुत ही रोमांटिक मूड में थे। तभी वहाँ पर एलियट और उसकी गर्लफ्रेंड आके वो चारों मिलकर फिर एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। एलियट की गर्लफ्रेंड बर्डी को घर ड्रॉप करने के लिए चली गई। ट्रिप पर सब लोग अपने बारे में और बता रहे थे। बर्डी बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा से हिपीज थे, इसी वजह से उसका बहुत ही वियर्ड सा नाम बर्डी रखा। कुछ देर बाद सब लोग स्मोक करने लग गए। सैम स्मोक नहीं करता था। एलियट सैम के पास आकर स्मोक करने लगती है और इसी वजह से सैम की हार्ट बीट बढ़ गई। सडनली उसे पैनिक अटैक आने लग गया। मूवी की स्टार्टिंग में जिस तरीके से उसे अटैक आया था उसी टाइप का ही अटैक था। सैम को किसी के सामने अपनी कंडीशन रिवील नहीं करनी थी। वो फिर बड़ी बड़ी सांस लेना शुरू करता है। वो जिस कॉर्नर में खड़ा था वहां पर एलियट की गर्लफ्रेंड भी थी। वो सैम से उसके पैनिक का रीजन पूछती है। सैम कहता है कि मुझे स्मोकिंग से प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि अगर बर्डी को पता चला कि स्मोकिंग से उसे प्रॉब्लम है तो शायद बर्डी उसे छोड़कर चली जाएगी। एलियट की गर्लफ्रेंड कहती है कैसा नहीं होगा, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और बर्डी तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। अब सैम फिर अपने पेरेंट्स के बारे में बर्डी को बताता है। कहता है कि वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। वो अभी भी उन पर नाराज था और इसी वजह से अपने मॉम से बात नहीं करता। बर्डी उसे सिंपथाइज करती है। वो दोनों किस करने लग गए और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम अपने घर पर आता है, अपने नॉवेल पर फोकस करता है। वो एक न्यू स्टोरी लिख रहा था जो एक्चुअल में उसके और बर्डी के बीच में हुआ था, इसी के रिलेटेड ये स्टोरी थी। उसके कैरेक्टर बहुत ही सिमिलर थे। सैम ने अपने चैप्टर्स लिखकर अपने बॉस को भेज दिया। बॉस जब ये देखता है तो उनका उसे कॉल आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, उसे वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और सैम को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि आगे की स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दो। इसके बाद सैम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्डी के साथ बिताने लग गया। वो उसके साथ हर जगह पर जाता है। सैम उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करता है जो बर्डी को अच्छी लगती थी। उन सभी चीज़ों को मास्टर करने की कोशिश करता रहता है। एक रात जब सैम की आंखें खुली तो एलियट और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा चल रहा था। वो एलियट से पूछता है कि इसका रीज़न क्या है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत ही कंट्रोल करती है, वही सब चीज़ें करने के लिए मुझे मजबूर करती है जो उसे अच्छी लगती है। उसकी सारी चीज़ों में मैं मेरी खुद की आइडेंटिटी लॉस कर रहा हूँ।
ये जब सैम सुनता है तो उसने रियलाइज़ किया कि उसने जो भी सारी चीज़ें की है, जो भी वो लर्न कर रहा है, इस सब को जो बर्डी के लिए कर रहा है, इसमें वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी खो सकता है जो इलियट के साथ हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम सैम और बर्डी को डांस करता हुआ देखते हैं। बर्डी सैम को बताती है कि कल मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। सैम पूछता है कि तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस क्यों करना चाहती हो। बर्डी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, उससे प्यार करने लग गई थी। सैम को बहुत अच्छा लगा और दोनों फिर किस करते हैं। जो भी हो रहा था ये सब कुछ फिर सैम घर आकर अपनी स्टोरी में ऐड करता है। ये स्टोरी उसने अपने बॉस को सेंड कर दी। मॉर्निंग में फिर सैम के बॉस उसे कॉल करते हैं, कहते हैं कि तुमने मुझे जो स्टोरी का लास्ट चैप्टर भेजा है वो बहुत ही अमेजिंग है। स्टोरी की एंडिंग को लेकर बात करने के लिए सैम को बुला रहे थे। सैम एक डेट फिक्स कर उनसे मिलने का डिसाइड करता है। सैम बर्डी के साथ एक जगह पर गया जो उसके फ्रेंड का वर्क प्लेस था। वहाँ चारों तरफ बर्डी को जो फेवरेट आर्टिस्ट पसंद थे उन सब की पेंटिंग्स लगी हुई थी। सैम इनिशियली तो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, पर धीरे धीरे बर्डी के सवालों का बहुत ही मिसलीडिंग और उल्टा जवाब वो देने लग गया था। बर्डी सोचने लगती है कि आज सैम को हुआ क्या है। इस चीज़ की वजह से सैम के नॉवेल का वो थोड़ा सा मजाक उड़ाती है। इस बात पर सैम बहुत ही सीरियस हो जाता है। उसे लगता है कि बर्डी उसके राइटर होने का मजाक उड़ा रही है। बर्डी का ये इंटेंशन नहीं था, उसे माफ़ी मांगती है। वो कहती कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। सैम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। सैम बर्डी से पूछता है कि मेरा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, मुझे क्या डेजर्ट पसंद है, क्या तुम्हें ये सब चीज़ें पता है। बर्डी को इन सब क्वेश्चंस के आंसर पता नहीं थे। सैम कहता है कि तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता है जो तुम्हें पसंद है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या चाहता हूँ, इस सब के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर उन दोनों में फाइट होने लग गए। सैम बर्डी से इनडायरेक्टली कह रहा था कि अब उन दोनों को अलग हो जाना है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार से घर जा रहे थे। दोनों रो रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का डिसाइड कर लिया था। सैम अपने घर के लिए उतर जाता है और बर्डी से बिना बात किए अपने घर की तरफ चला जाता है। सैम अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ही इनसिक्योर हो गया था। बर्डी को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो भूल गया था कि वो खुद कौन है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। नेक्स्ट डे सैम अपने बॉस से मिलने के लिए गया। वो कहता है कि मुझे स्टोरी की एंडिंग चेंज करनी है। वो अब लास्ट में दोनों कैरेक्टर्स का ब्रेकअप दिखाना चाहता था। उसके साथ जो इश्यूज थे, जिस वजह से उनकी रिलेशनशिप एंड हुई थी, यही सब चीज़ें अब वो स्टोरी में भी डालना चाहता था। बॉस कहते हैं कि ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही अलग अलग है, पर फिर इस वजह से रिलेशनशिप को एंड करना है सही नहीं होगा। कभी कभी दो अलग अलग लोग भी एक दूसरे के साथ आकर बहुत ही खुश रह सकते हैं। सैम जब ये बात सुनता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी है। वो फिर अपनी भी लव स्टोरी की एंडिंग चेंज करने का डिसाइड करता है। सैम ऑफिस से भागते हुए निकल गया और बर्डी के पास जाने लग गया। उसे पता था कि आज वो बॉलरूम डांस के लिए आती है। उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी तो जहाँ पर बॉलरूम का डांस था वहाँ पर सैम भागते भागते आ गया। बर्डी डांस करने ही वाली थी पर तभी वहाँ पर सैम पहुँच जाता है। वो बर्डी की तरफ आने लग गया। वहाँ पर हम एलियट और उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं। उनके बीच में भी सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी थी। उन दोनों को साथ में देखकर सैम को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों सैम को बर्डी के साथ डांस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब सैम बर्डी के पास गया, उसके लिए जो भी फील करता था इस सब कुछ उसे बता देता है। वो ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बर्डी भी उसे प्यार करने लग गई थी, इसी वजह से उसे माफ़ कर देती है। वो सैम को कन्फेस करती है कि जो भी चीज़ें वो फेसबुक पर लिखा करती थी ये जानबूझकर लिखती थी। उसे पता था कि सैम ये सब रीड कर वही चीज़ें करने की कोशिश करेगा और जानबूझकर उसका मजाक लेने के लिए वो सब चीज़ें ऐड कर रही थी। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि सैम उसे लाइक करता है। इस बात पर सैम और बर्डी दोनों ही हंसने लग जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े अंकल बहुत गुस्सा थे क्योंकि बर्डी ने उन्हें एक डांस प्रॉमिस किया था। इसके बाद सैम और बर्डी ये दोनों डांस करते हैं। सैम उससे माफ़ी मांगता है और अब वो दोनों किस करते हैं। इसे एक ब्यूटीफुल से मूवमेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।